20 डेज प्लेज में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। और आज हम केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन की रफ्तार। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेज चल रही है और 20 डेज प्लेज में आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो और बोर्ड्स की तैयारी में अपन आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। अब बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। केमिकल काइनेटिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है या केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिस पर अपन दो चीज पर बात करते हैं, पहली रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच या साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें अपन बात करने वाले हैं किसी रिएक्शन की रफ्तार की, कि रिएक्शन की रफ्तार क्या है भाई, फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है, कि रिएक्शन की रफ्तार है क्या, और दूसरा उस रफ्तार को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। मतलब दो चीज पर अपन केमिकल काइनेटिक्स में बात करते हैं, पहला रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर अगर बात करें तो रिएक्शन की रफ्तार के बेसिस पर हमारे पास जनरली तीन टाइप की रिएक्शन आती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि आयनिक रिएक्शंस यार, आयनिक रिएक्शन इंस्टेंट टाइम में कंप्लीट हो जाती है तो आप उनकी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं कर सकते हो। स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो तुम्हें पता होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, लोहे में जंग लगना, और लोहे में जंग लगना मतलब दो तीन महीने की कहानी है, मतलब इतना वेट कौन करेगा भाई, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन आती है वो आती है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन में ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू फास्ट रिएक्शन और कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो अपन मॉडरेट रिएक्शन की ही रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं बता नहीं रहा हूं, वहां से क्वेश्चन आता नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है तीन टाइप की रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं कर सकते हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। स्लो रिएक्शन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो उनकी भी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं करते हैं, और मॉडरेट रिएक्शन इन दोनों के बीच में होती है, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन अपन फाइंड करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में दो ही टॉपिक पर बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात ये आती है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है क्या। आपने अपनी गाड़ी की रफ्तार नापी होगी, ठीक है, कि भाई 120 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से मैं चल रहा हूं, इतनी वेलोसिटी, इतनी स्पीड से मैं चल रहा हूं, ठीक है। तो आपने अपनी जो बाइक है, जो कार है, उसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो किस तरह से नापी, कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, ठीक है। उसी तरीके से आप रिएक्शन की रफ्तार नापते हो, लेकिन रिएक्शन डिस्टेंस थोड़ी कवर करती है, लेकिन जब आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन जब चलती है तो एक की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। आप जानते हो कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी टाइम के साथ साथ, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आ रहा है यार, और कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आ रहा है तो इसी को अपन ने बेसिस बनाया, और रेट ऑफ रिएक्शन को अपन मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जिसे आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हो यार, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी स्पीसीज अपॉन टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस चेंज। किसी भी स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया है और उसे कितना टाइम लगा है उस चेंज को आने में, वही क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हारे काम का है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है भाई, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा सोचो, जैसे कि मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन क्या चल रही है भाई, ए गिब्स प्रोडक्ट, ठीक है, ए गिब्स प्रोडक्ट मेरे पास रिएक्शन है। मान लेता हूं जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट करी टी इक्वल टू जीरो पर, मेरे पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी ए की वो क्या थी, स्मॉल है, प्रोडक्ट की तो कोई कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पर नहीं होगी। सपोज एट टी इक्वल टू टी टाइम पर मुझे पता चला, ठीक है, ए में से एक्स पार्ट कंज्यूम हो चुका है, ठीक है, ए में से एक्स जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कंज्यूम हो चुकी है, मतलब जितना ये कंज्यूम होगा उतना ही ये बनने वाला है। अब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मेजर करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन मैं कैसे लिख सकता हूं, आर इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अब यहां पर आप सोचो कि अगर टाइम के साथ अगर मैं बात करूं तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ रही होगी। और अपन ने एक बात कही है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव,
अब यहां पे सोचो कि अगर मैं एक ही टर्म में अगर रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करूंगा तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए माइनस एक्स, इनिशियल क्या है ए, तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ये ए माइनस एक्स माइनस ए, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो माइनस एक्स अपॉन टी, क्योंकि टाइम कितना लगा है, टी माइनस जीरो मतलब टी सेकंड लगा है, ठीक है, तो माइनस एक्स अपॉन टी आ जाएगा यार ये तो। लेकिन आपने तो ये कहा है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर जो मैंने रेट लिखी है वहां पर मैं प्लस माइनस का साइन पहले से ही लगा के चलता हूं। प्लस माइनस का साइन क्या है, प्लस ये डिनोट कर रहा है मुझे कि टाइम के साथ साथ जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो क्या होगी भाई, बढ़ेगी। और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो टाइम के साथ साथ जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ठीक है, रिएक्टेंट की, वो क्या होगी मेरी, कम होगी भाई। तो रिएक्टेंट की जब भी, रिएक्टेंट के टर्म में जब भी मैं रेट मेजर करूंगा तो हमेशा माइनस साइन लगा के करूंगा, क्योंकि माइनस पहले से लगा के रहूंगा, यहां पर भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरह से मैं मेजर करता हूं। अगर कोई मुझसे कहे कि भाई इसकी यूनिट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ आर किसकी, आर की, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। अब यहां पर देख रहे हो आर, आर क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की अपन सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर ये हमारे पास गैसियस रिएक्शन होती है, फोर गैसियस रिएक्शन, अगर थोड़ा सा देखें, फोर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन के लिए अगर मैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर बात करता हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर गैसियस रिएक्शन के लिए मैं आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है यार, PV इक्वल टू एन आर टी, ठीक। अब यहां पर मैं V को नीचे लेके आता हूं तो ये क्या बन जाएगा, N अपॉन V आर टी, और N अपॉन V नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन आर टी। और एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बात कर रहे हो, तुम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बात कर रहे हो तो मतलब टेम्परेचर तो आपका कॉन्स्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, मतलब P इक्वल टू C, मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस कर सकते हो पार्शियल प्रेशर से, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को आप रिप्लेस कर सकते हो पार्शियल प्रेशर से। तो गैसियस रिएक्शन के लिए जो यूनिट हो जाएगी भाई, वो कॉन्सेंट्रेशन को आप प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हो, तो प्रेशर अपॉन टाइम, यूनिट क्या हो जाएगी भाई, प्रेशर अपॉन टाइम। अब प्रेशर अपॉन टाइम, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, आप लिख सकते हो एमएम ऑफ एच जी पर सेकेंड, या एटीएम पर सेकेंड, ये भी लिख सकते हो mm of Hg per second या atm per second। तो ये बेसिकली आपके पास एक जनरल आइडिया आया रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी स्पीसीज अपॉन टाइम टेकिंग ड्यूरिंग दिस चेंज, कि किसी भी स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन में, चाहे आप रिएक्टेंट के टर्म में नापो या प्रोडक्ट के टर्म में नापो, ठीक है, तो किसी भी स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया है और उसे कितना टाइम लगा है उस चेंज को आने में, उसे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है। ये प्लस माइनस क्यों लगाया जाता है, हमें पता है कि समय के साथ साथ जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो बढ़ेगी, और समय के साथ साथ जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो कम हो जाएगी, और यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, और प्रेशर के टर्म में या गैसियस रिएक्शन के टर्म में एमएम ऑफ एचजी पर सेकेंड या एटीएम पर सेकेंड आप इसे मान सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत बात हुई रेट ऑफ रिएक्शन की, लेकिन अभी तक अपन ने रेट कभी निकाली नहीं है, अभी तक अपन ने कोई भी ऐसा कुछ नहीं करा जिससे अपन को रेट और अच्छी तरीके से समझ आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं रेट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट यार जो हमारे पास आ रहा है वो है रेट एक्सप्रेशन, की रेट एक्सप्रेशन किस तरह से लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट लिखें तो उसमें यह सुनिश्चित कर लें कि वो केमिकल रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए ही आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए ही आप रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हो, इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि समझें कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन
है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, दैट इज हैवर्स प्रोसेस, आप अमोनिया बना रहे हो भाई। और आप इस रिएक्शन को थोड़ा गौर से देखें, यहां पर नाइट्रोजन 2 है, यहां पर भी नाइट्रोजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 6 है, यहां पर भी हाइड्रोजन 6 है भाई। मतलब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये है तो अपन इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अपन ने बोला है कि अपन रेट ऑफ रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं। अब अपन यहां पर जानते हैं कि जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ साथ कम होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ साथ बढ़ेगी भाई। तो अपन इन्हें जानते हैं कि इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ कम होगी, मतलब ये डिसअपियर होना स्टार्ट होंगे और ये अपियर होना स्टार्ट होंगे। मतलब अपन रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपियरेंस के टर्म में भी अपन रेट को डिनोट कर सकते हैं किस तरह से। अगर मुझे कभी लिखना पड़े क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 के लिए अगर मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना पड़े तो वो क्या होगा, मुझे पता है कि टाइम के साथ साथ इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। मुझे पता है टाइम के साथ साथ अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पहले से ही मैं माइनस साइन लेके चलता हूं, तो माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम। यह स्मॉल चेंज है तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल चेंज है तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है। स्मॉल चेंज के लिए मैं डी लिखता हूं, तो माइनस डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt, राइट। अगर मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 लिखना पड़े तो वो क्या लिखूंगा, मुझे ही पता है ये रिएक्टेंट है टाइम के साथ साथ कम होगा भाई, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कम होने वाली है, तो पहले से माइनस साइन लगा चलता हूं, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन Δt, ठीक है। या स्मॉल चेंज है तो अपन लिख सकते हैं माइनस डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt, ठीक है। अगर मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस के टर्म में देखना पड़े, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, मुझे पता है कि ये टाइम के साथ साथ उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो मैं यहां पर प्लस लगा देता हूं। अगर प्लस नहीं लगाना तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, अब लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, लगा दोगे तो आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। या स्मॉल चेंज आया तो ऐसा लिख सकता हूं प्लस डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt, राइट। ये तो मैंने इंडिविजुअल के टर्म में लिखा है कि नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में हमारी कितनी रेट चल रही है, ठीक है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कितनी रेट चल रही है, और NH3 के रेस्पेक्ट में आप किस तरह से देख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि रिएक्टेंट के टर्म और प्रोडक्ट के टर्म में आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, कि आप नाइट्रोजन के बेसिस पे देख रहे हो कि नाइट्रोजन समय के साथ साथ कितना डिसअपियर हो रहा है, हाइड्रोजन टाइम के साथ साथ कितना डिसअपियर हो रहा है, और NH3 टाइम के साथ साथ कितना बन रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा सोचें कि मुझे तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो अगर मैं इनकी जो इंडिविजुअल रेट्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल रेट निकालिए कि नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में और NH3 के रेस्पेक्ट में, अगर मैं ये इंडिविजुअल रेट जो निकली है हमारी, अगर मैं इनके, देखो यहां पर जब मैंने इंडिविजुअल रेट्स यहां पर लिखी हैं तो कभी भी इनके मोलर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं किया। मोलर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसा, कि नाइट्रोजन का मोलर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन का मोलर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, और NH3 का जो मोलर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 2 है। तो जब भी मैंने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस लिखा है तो मोलर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कहीं पर भी यूज नहीं करा है। अब अगर मुझे ये जो इंडिविजुअल रेट है, ठीक है, इनके अलावा अगर मुझे पूरी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़े तो किस तरह से निकालूंगा, अगर इंडिविजुअल रेट्स को अगर मैं इनके मोलर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करता हूं तो मुझे पता चलता है कि इनकी जो इंडिविजुअल रेट्स हैं वो आपस में बराबर हो जाती हैं, और वो किसके बराबर आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। मतलब अगर मैं इनके इंडिविजुअल रेट्स, नाइट्रोजन का अगर इंडिविजुअल रेट है, ठीक है, अगर इसको मोलर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करता हूं, इसका मोलर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है भाई, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt, ठीक है, इक्वल टू यहां पर हाइड्रोजन का मोलर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो उससे डिवाइड करता हूं, तो माइनस 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt Δt, ठीक है। और यहां पर अगर मैं NH3 के रेस्पेक्ट में देखूं तो उसका मोलर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं प्लस 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt,
ठीक है, जब अगर इंडिविजुअल रेट को उनके मोलर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करता हूं तो उनकी इंडिविजुअल रेट आपस में बराबर हो जाती हैं, और वो किसके बराबर आ जाती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आ जाती हैं, स्मॉल आर के बराबर आ जाती हैं। तो ये बेसिकली रेट एक्सप्रेशन होता है जो आपको लिखना पड़ता है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस लिख सकते हो, और अगर इनके इंडिविजुअल जो रेट है अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस अगर उनके मोलर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से उन्हें डिवाइड करते हो तो इनकी जो इंडिविजुअल रेट है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस वो आपस में बराबर होती हैं, और वो किसके बराबर आ जाती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आ जाती हैं। तो यही क्या कहलाता है भाई, रेट एक्सप्रेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का ये जो रेट एक्सप्रेशन है, अगर आपको ये लिखना आता है तो रेट ऑफ रिएक्शन का हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है उस पर किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास फ्रेम होते हैं।